वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? होपफुली आप सभी को आवाज़ वगैरह तो आ ही रही होगी प्रॉपर तरीके से। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन आज भी हम लेके आए हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। जो लोग भी एमपीसीजे या एमपीएडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फटाफट आप लोग जुड़ते जाइए सेशन के साथ, और इस सेशन में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी देखने वाले हैं। तो सभी को सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग। और सबसे पहले देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप देख लें यहाँ पे कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये जो क्लास है ये किसके लिए है, जो जीके जीएस हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, जीके जीएस करने वाले हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। और ये हमारा फोकस होने वाला है एमपी एडीपीओ का एग्जाम, और केवल एमपी एडीपीओ ही नहीं बल्कि साथ साथ एमपी एडीपीओ के साथ साथ हमारा एमपी सीजे भी फोकस हम करेंगे। और आज का टॉपिक होने वाला है, देखिए टॉपिक वाइज मैं कराने वाला हूँ, टॉपिक आज कराऊंगा। आप लोग देखिए एमपी जीके में आप जानते होंगे टॉपिक्स है, तो एक टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री, अर्थात जी एंशियंट हिस्ट्री कहा कि एमपी की, एमपी की एंशियंट हिस्ट्री आपसे पूछी जानी है। तो आज जो भी आपके सवाल होंगे, लगभग 60 क्वेश्चन है आपके, तो 60 क्वेश्चन आपके एंशियंट हिस्ट्री पर होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए आप मोर डिटेल्स के लिए, हमारे फेसबुक में भी, यूट्यूब, टेलीग्राम और सब जगह जाके आप एक बार जरूर से इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प मिलेगी। और मेरा नाम है शहबाज, और आज की क्लास में आपको कंडक्ट कराऊंगा इस चैनल में। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। एमपीसीजे, एमपीएडीपीओ और बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं, और डेफिनेटली बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। लेकिन उसके पहले एक और प्लेटफॉर्म, मैन अकेडमी से भी जुड़ा हूँ, आप जानते होंगे। और अनअकैडमी में आपको बता दूं, अनअकैडमी में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है एग्जाम्स की। और इस समय आप देख पा रहे हो कि एक नया बैच आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियरी लीडर्स बैच, ये 2020 आ रहा है, 6 महीने का बैच होने वाला है, रीजनेबल प्राइस होने वाली है, सब्सक्राइब कर सकते हो। 28 जुलाई से आपका ये बैच है, और इंडिया के टॉप एजुकेटर आप सामने देख पा रहे हो, टॉप एजुकेटर क्या लेंगे, आपकी क्लासेस लेंगे। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच जो जुलाई में स्टार्ट हो चुका है, स्टार्टिंग डेट इज 21 जुलाई, ये भी देख सकते हो। यहाँ पे जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर है ये भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं, 1 ईयर बैच है, इसको भी कर सकते हैं। क्लासेस लेने के लिए सारा डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएंगी कि भैया क्या क्या कैसा है। इसके बाद अगर बात करते हैं लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन है अकेडमी में, ठीक है, ये आइकॉनिक के बारे में, 1-to-1 मेंटोरशिप है आपको, फोकस मेन्स, फोकस टेस्ट सीरीज है, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस है, मोक इंटरव्यू वीडियोस वगैरह भी आपको मिल रही है, जो मोक जो भी लोग का एग्जाम वगैरह क्वालिफाई है उससे रिलेटेड। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, शाबाज 10 कोड यूज कर लीजिएगा। शाबाज 10 जैसे ही कोड यूज करोगे तो जो भी आपकी प्राइसिंग होगी उसमें आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी चीज हुई। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, फ्रॉम 8, ठीक है, 8 तारीख से, 8 मैं बात कर रहा हूँ अगस्त, 8 अगस्त से मैं एमपीसीजे एमपीएडीपीओ, ठीक है, एमपीसीजे एमपीएडीपीओ यूपी के एग्जाम्स, जैसे अभी एपीओ आ रहा है, उनको लेके फ्री मॉक कराने वाला हूँ। अनअकैडमी में फ्री मॉक मेरे होंगे, ठीक है, मैं भी फ्री मॉक कराने वाला हूँ, फ्री कंटेंट रहेगा, और ये आपको मिलेगा 7:30 बजे शाम से। तो आप डेट कर लीजिए, 8 तारीख से मेरी रेगुलर क्लासेस होंगी आपके लिए, और रोज आपको क्लासेस मिलेंगी 7:30 बजे, तो आप इनको देख लीजिएगा, डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको इन क्लासेस से जुड़ के फायदा मिलने वाला है। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा, क्या है आज का टॉपिक, एंशियंट हिस्ट्री, जहां पर एंशियंट हिस्ट्री के, एमपी की एंशियंट हिस्ट्री के हम आपसे टोटल 60 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और इससे आपको आकलन लग पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको तैयारी कैसे और बेहतर तरीके से करनी है, और डेफिनेटली अगर आप इन चीजों से सेशन से जुड़ोगे तो फायदा तो आपको होना ही होना है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बस हम जस्ट 1 मिनट का वेट करेंगे, और 1 मिनट के बाद हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसी का वेट नहीं करेंगे, जस्ट 1 मिनट का वेट है। जैसे ही घड़ी में 9:05 क्लिक होंगे, वैसे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लाइव सेशन, और आपके सामने क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग जुड़ते रहेंगे, धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, लेकिन अपन अपना क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट कर देंगे। बस थोड़ा सा वेट आपको करना है, जरा सा। चलिए, आप लोग रेडी हो गए तो एक बार थम्सअप दीजिए फटाफट। अगर आप सभी रेडी हो गए तो एक बार थम्सअप दीजिए कि हम रेडी हैं सेशन के लिए।
देन हम सेशन को क्या करते हैं, ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कुछ लोग जुड़ चुके हैं धीरे, कुछ लोगों के लेट आने की आदत है, तो जो लेट आने की आदत है वो लेट ही आएंगे, जिनकी जल्दी आने की आदत है उनको लेट नहीं करेंगे अपन। चलिए आप लोग थम्सअप दीजिए, बस आपके थम्सअप का वेट है। जैसे ही आप थम्सअप देते हैं मीन्स पता चल जाएगा कि आप क्लास स्टार्ट करने के लिए ऑफिशियली कह रहे हैं। तो फटाफट थम्सअप दीजिए, थम्सअप थम्सअप, ऐसे वाला थम्सअप। चलिए मंदाकिनी ने सबसे पहले थम्सअप दिया, सबसे पहले मंदाकिनी रेडी है। देन और कोई नहीं है क्या रेडी अभी? देन हेमा भी आ चुकी है, गौरव भी। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रॉक शेल्टर हैव बीन फाउंड, भारत के किन राज्यों में शैलेश्य पाए गए हैं, ठीक है, रॉक शेल्टर्स इंडिया के किन स्टेट्स में पाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, पढ़िए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी कराऊंगा, 60 क्वेश्चन है इसलिए आप अपना आंसर देते जाएंगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आप आंसर देते जाएंगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। चलिए, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इट इज एमपी एंड यूपी। जो रॉक शेल्टर्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो दो जगह पर पाए जाते हैं, वो एमपी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर वो पाए जाते हैं। आप लोग अपना आंसर लिखते आइएगा, फिर बताइएगा आप लोगों का कैसा परफॉर्मेंस रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भीमबेटका इज अ स्टोन शेल्टर, ठीक है, भीमबेटका क्या है, एक स्टोन शेल्टर है, इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द टाइम। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, किस टाइम की आर्कियोलॉजिकल साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेके आंसर करेंगे अपन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेके, पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक एज से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, आंसर इसका बी क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो दूसरे का आंसर क्या माना जाएगा, इट इज बी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिखा है अंडर हुज डायरेक्शन वॉज द एनक्लेव्ड और आर्कियोलॉजिकल साइट आदमगढ़ वॉज, ठीक है, पुरातत्व स्थल आदमगढ़ की खुदाई किसके निर्देश पर हुई थी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसके डायरेक्शन पर, मतलब लिखा है कि किसके डायरेक्शन पर खुदाई हुई थी, अंडर हुज डायरेक्शन अर्थात किसके निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई थी। पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रेड रेड से आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, चलिए थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं, किसके डायरेक्शंस पे हुई थी, ठीक है, किसके बोल सकते हो निर्देशों के आधार पे हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दे रही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आएगा ये है, कौन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड थर्ड इट इज मिस्टर आर वी जोशी एंड मिस्टर एम डी खरे, इन दोनों के निर्देशों पर ये कार्य किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर एच डी सनकालिया डिस्कवर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, मध्य प्रदेश के किन स्थानों से डॉक्टर एच डी संकालिया ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, कहां से की थी जल्दी बताइए, कहां से हुई थी सिंधु नदी सभ्यता की खोज। क्वेश्चन नंबर फोर को लेके आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर एंड द राइट आंसर ऑफ दिस इट इज नागदा और कैथा, नागदा और कैथा जैसी जो ये जगहें हैं इन जगह से क्या हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, इसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट मध्य प्रदेश द एविडेंस ऑफ ब्रॉन्ज बेंगल्स हैव बीन फाउंड इन ऑडियंस, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व स्थान में से कांस की चूड़ियों के प्रचुर मात्रा में मिलने के प्रमाण मिले, मतलब कांच की चूड़ियां कहां से मिली थी आपको, जल्दी बताइए, कांच की चूड़ियां, कुछ लोग बता रहे हैं एरन, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, खैर आप लोग अपना अपना मन का कुछ भी बता सकते हो। आंसर देंगे फिफ्थ क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या माना जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फिफ्थ का होगा, इट इज बी, ठीक है, अवारा, ठीक है, अवारा जो जगह है यहां से आपको ये अवशेष मिले थे, ठीक है, अवारा जगह, एरन में आपको सती प्रथा के अवशेष मिले थे। जो लोग लगा रहे हैं एरन, तो याद रखिए जो पहले भारत में पहला सती प्रथा का अवशेष मिला था वो एरन से मिला था, तो एरन सती से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे आपको क्या पूछा है, चूड़ियों से रिलेटेड पूछा है, कांसे की चूड़ियां, ठीक है, बैंगल्स वगैरह के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच प्लेस इन मध्य प्रदेश वेयर ह्यूमन रॉक शेल्टर डिस्कवर बाय कैलिन और कॉकबर्न इन ईयर 1880, अर्थात कार्लाइल, ठीक है, कार्लाइल और कॉकबर्न ने 1880 में मध्य प्रदेश के किस स्थान से मानव जो मानव क्या बोलते हैं रॉक शेल्टर्स की खोज की थी, कहां से की थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स को आप आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड द राइट आंसर सिक्स का क्या होगा, सिक्स का आंसर आएगा सिक्स सिक्स, इट इज
बी कैमूर हिल्स। आंसर क्या माना जाएगा? कैमूर हिल इज द राइट आंसर। इसका क्वेश्चन थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या? मे आई नो थोड़े से क्वेश्चंस क्या डिफिकल्ट हो रहे हैं क्या? एक बार थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, क्या क्वेश्चंस डिफिकल्ट जैसे लग रहे हैं, क्या नॉर्मल है आप लोगों के लिए? क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है या नॉर्मल है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, वेयर इज बूढ़ीमाई रॉक शेल्टर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश में बूढ़ी बूढ़ीमाई रॉक शेल्टर कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है खंब बाबा। ठीक है, खंब बाबा इज द राइट आंसर। ठीक है, खंब बाबा इज द राइट आंसर। डिफिकल्ट है, देखिएगा अभी डिफिकल्ट कर लोगे एग्जाम में आपको चीजें याद रहेंगी। इजी इजी तो सब पढ़ते हैं ना, अपन वही क्वेश्चन लेके आए जो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट अगर कर लोगे तो मिलेगा। ठीक है, सबको डिफिकल्ट लग रहे हो वैसे, कि सही तो किसी के नहीं हो रहे मेरे हिसाब से, पूरे तो मेरे हिसाब से किसी के भी सही नहीं हुए, तो डिफिकल्ट तो है ही है। आपको क्या लग रहा है? डिफिकल्ट है ही वो, इसलिए मैंने पूछा ना टीचर। देखो मैं एज अ टीचर इसलिए पूछा क्योंकि डिफिकल्ट है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहे हैं। चलिए, विच आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट हैज डिस्क्राइब द पेंटिंग अंडर द टाइटल रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश, क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 को आंसर करिए। 8 को, 8 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका, इट इज क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? जल्दी जल्दी दीजिए, काफी लोग लेट कर रहे हैं आंसर देने में। आंसर देने में इतना लेट क्यों? कुछ लोग सोते सोते आते जा रहे हैं, देखिएगा अब ऐसे सोगे तो सोते रह जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका माना जाएगा, इट इज डी वी एस। ठीक है, वाकलांकर। ठीक है, वाकांकर। ठीक है, वाकांकर जो होंगे ये वी एस वाकांकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल रॉक शेल्टर नेम्ड महादेव रॉक पेंटिंग? ठीक है, जम्बूद्वीप, द्रोथी द्वीप एंड मॉन्टी राजा लोकेटेड। अब भैया ये सारी सारी चीजें जहां पे कहां पे लोकेटेड है? मॉन्टी राजा, ठीक है, द्रौती द्वीप, जम्बूद्वीप, ठीक है, और ये महाद्वीप रॉक पेंटिंग ये किस जगह पर सिचुएटेड है? सारी की सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 9 को लेके आपको समय स्टार्ट होता है, 9 को लेके बताइए। एंड 9 का आंसर माना जाएगा, इट इज पचमढ़ी। पचमढ़ी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर होगा पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केव्स ऑफ सारो मारो आर लोकेटेड इन, सारो मारो की पहाड़ियां भैया कहां पर है मध्य प्रदेश में? किस जगह पर सारो मारो की पहाड़ियां है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को लेके आपका बताता हूं, 10 को लेके। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज पांगू। ठीक है, पांगू डरिया, पांगू डरिया जो सीहोर में है, यहां पर सारो मारो की आपको पहाड़ियां मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आर्कियोलॉजिकल साइट फ्रॉम विच द मड टॉयस बैंगल्स, ठीक है, मेड अप ऑफ कॉन्च शेल, द आइडल मेड अप ऑफ आइवरी आर फाउंड, अर्थात ये कहाँ पे है? ठीक है, पुरातत्व स्थल जहां पर मिट्टी के खिलौने शंख से बने बैंगल, ठीक है, बैंगल लिखना था, शंख से बने चूड़े बोल सकते हो, हाथी दांत से बनी मूर्तियां पाई गई थी, कहां पर पाई गई थी? कहां पर पाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 को लेके, 11 को लेके आपका आंसर है जिसे अवारा। ठीक है, ये सेम आपका आंसर एक अभी अपन और देख चुके हैं, दोबारा भी इसका आंसर क्या माना जाएगा? 11 का ए ही आपका आंसर माना जाएगा। सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं, ऐसा क्यों है भैया? द साइट ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम वेयर द बंगाल मेड अप ऑफ, ठीक है, ये वाला हो चुका है शायद, ठीक है, बंगाल मेड अप ऑफ आइवरी टेम्पलेरियन शार्प एजेस आयरन वेपन्स, यहाँ पे आयरन वेपन्स की बात है, आयरन वेपन्स टूल वेयर मेनली फाउंड, जहां टूल्स वगैरह फाउंड किए गए थे वो कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? 12 का इट इज सी। ठीक है, इंदिरागढ़, इंदिरागढ़ जो मंदसौर में है, इसका आंसर ये माना जाएगा, इंदिरागढ़ मंदसौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते जाए और आपको कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिले। वेयर इज, ठीक है, वैश्या टेकरी, कुम्हार टेकरी एंड कनकरी टेकरी लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश में वैश्य टेकरी, कुम्हार टेकरी और कंकरी टेकरी कहां पर है? भैया टेकरी टेकरी कहां पर है बताइए, ये तीनों टेकरी कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए, टेकरी कहां पर है? चलिए इसका आंसर जल्दी दीजिए फटाफट। एंड द राइट आंसर इज, ये तीनों टेकरी कहां पर है? ये सिचुएटेड है इंदौर में। टेकरी कहां पर है?
इंदौर में सिचुएटेड आपकी मानी जाएंगी। चलिए बिल्कुल आप लोगों ने आंसर सही किया, इंदौर इसका सही आंसर है, इंदौर में टेकरी आपकी मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री सच एज बाउल एंड स्टांड सॉर्सरीज एंड अदर एविडेंस, ठीक है, ऑफ यज्ञशाला आर फाउंड इन विच विच प्लेस, कहां पर हुआ था यज्ञशाला, और ये क्या है आपके बाउल्स वगैरह, पोएट्री वगैरह, पोएट्री का मतलब होता है जहां पे वो अपन बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ये नक्काशी करते हैं कोई चीज को बना के, ये सारी चीजें आपको कहां मिली थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर क्या होगा, 14, एंड द राइट आंसर इज दंगवाला, दंगवाला उज्जैन इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या माना जाएगा, दंगवाला उज्जैन इसका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश वेयर एविडेंस ऑफ बेड मेकिंग हैज बीन फाउंड फ्रॉम द एग शेल्स ऑफ ऑस्ट्रिच ऑफ द स्टोन, मध्य प्रदेश का वह स्थान जहां पत्थर के शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से मान के बनाने का प्रमाण मिला है, ठीक है, कहां पर मिला है भैया, कहां पर मिला है, ये सब प्रमाण बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, 15 का आपको सही जवाब देना है, एंड द 15 का आंसर आएगा बाघ, ठीक है, बाघ जो आपका कहां पर है, बाघ की गुफा है धार, ठीक है, धार इसका आएगा। इसके बाद द लाइव स्टॉक एक्स ऑफ द जोरेसिक डायनासोर्स हैज बीन फाउंड इन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, था मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर जुरैसिक डायनासोर के पशुधन के अंडे पाए गए थे, था मतलब मध्य प्रदेश में कैसी जगह भी है जहां पर एक ऐसी नदी का किनारा है जहां पर कुछ नहीं डायनासोर के अंडे भी पाए गए थे, किसकी नदी, किस नदी के किनारे पाए गए थे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे, 16, एंड द राइट आंसर इज सेम बाघ रिवर, बाघ जो रिवर है इसके किनारे पर ऐसा हुआ है, ठीक है, बाघ रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ्रॉम विच प्लेस इन मध्य प्रदेश दिस डॉक्टर एच डी संकालिया डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, डॉक्टर एच डी संकालिया ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी, कहां पर की थी। चलिए क्वेश्चन क्या समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं समझ में, क्वेश्चंस आ रहे हैं ना समझ में, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 17, 17 का आंसर आएगा ए, इट इज महेश्वर नवदा टोली, महेश्वर नवदा टोली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए इसके बाद, फ्रॉम विच प्लेस इन द स्टेट हैव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमेटिव ह्यूमन वी आर रॉक पेंटिंग हैज बीन फाइंड, किस राज्य के किस स्थान पर शैल शैल चित्रों के माध्यम से आदिम मानव के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, कहां पर मिले हैं भैया, कहां पर मिले हैं जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए, 18, और वो प्रमाण आपको कहां पर मिले हैं, वो आपको प्रमाण तीनों जगह पे मिले हैं, एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, तीनों के तीनों आपके आंसर सही माने जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट रिलेटेड टू पैलियोलिथिक पीरियड, निम्नलिखित में कौन सा स्थान पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है, कौन साइड में से पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नेगेटिव है जल्दी बताइए, विच इज नॉट रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए, और राइट आंसर को कौन सा संबंधित नहीं है, बाकी तीन जगह संबंधित है, एक जगह जो संबंधित नहीं है वो है शिवपुरी और ग्वालियर, उससे रिलेटेड नहीं है, बाकी सारी सारी जगह उससे संबंधित है। इसके बाद किंग ययाति ऑफ चंद्रवंशी डायनेस्टी रूल विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश फॉलोइंग हिज एम्पायर एक्सपेंशन, चंद्रवंशी वंश के राजा ययाति ने अपने साम्राज्य विस्तार के बाद मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था, कहां पर किया था ययाति ने शासन, जो राजा ययाति थे उन्होंने मध्य प्रदेश में कहां पर शासन किया था ययाति ने, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए, आंसर दीजिए जल्दी फटाफट, 20 का कहां पर शासन किया था, उन्होंने शासन किया था तीनों जगह पे, ठीक है, अच्छा आप शिवपुरी से हैं मनु, चलिए एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ तीनों जगह पे उन्होंने शासन किया था, उन्होंने मालवा में भी किया था, बुंदेलखंड भी किया था, और बघेलखंड भी, उन्होंने तीनों जगह पे क्या किया था, अपना शासन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाता है चंद्रवंशी किंग ययाति
डिवाइडेड द एम्पायर एंड गेव यदु एन एरिया इरिगेटेड बाय विच रिवर? चंद्रवंशी राजा ययाति ने साम्राज्य के विभाजन किया और यदु को किस नदी से संचित क्षेत्र दिया? मतलब उन्होंने अपने क्षेत्र को डिवाइड किया था और एक दूसरे राजा थे जिनका नाम था यदु, यदु को एक उन्होंने क्या थी, जमीन दी थी, और यदु को जो जमीन दी गई थी वो कहाँ से, किस नदी से उसको संचित किया जाता था, अर्थात उसको हम क्या करते थे, इरिगेट करते थे, कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 21, 21 का आंसर माना जाएगा चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी, चरमनवती, ठीक है, चमरावती, चरमनवती या चमरावती या चंबल, इसको इन नदियों के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा मनंधाता के पुत्र पुरु कुलशा ने एक नागवंशी राजकुमारी से विवाह किया था जिसका क्या नाम था? कुछ क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं क्या, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कुछ क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं क्या, ऐसा कुछ हो रहा है तो बता दीजिए, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं क्या, मे आई नो, क्या क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं? सारे लोग बताइए, उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अपन को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? 22 का, 22 का आंसर है रीवा, रीवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। चलिए ऐसा है, कल से थोड़ा सा, कल से करते हैं थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं लेवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए, 23 का क्या होगा? और 23 का आंसर होगा, इट इज ए काथी नेमार, काथी नेमार इज द राइट आंसर। ठीक है, काथी, सभी नए हैं आज, हाँ सभी नए, ये नया लग रहा है। चलिए मैं कल से थोड़ा सा क्वेश्चंस देखता हूँ दूसरे प्रकार से, जो मैंने अपनी बुक के हिसाब से किया उन हिसाब यही क्वेश्चंस है। पीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ज्यादा होगा तो फिर पूरे नहीं करेंगे आज, अपन थोड़े से कम कर लेंगे, फिर मैं कल से कोशिश करता हूँ थोड़ा सा लेवल को नीचे। भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? अब ये तो पूछा ही जा सकता है, भगवान राम के जो शत्रुघ्न द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ लॉर्ड श्री राम रूल्ड इन विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, उन्होंने मध्य प्रदेश के किस एरिया में उन्होंने शासन किया था? 24 का दीजिए, 24, 24 का आंसर आएगा, इट इज बांधवगढ़। बांधवगढ़ क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था, राज किया था। बांधवगढ़ क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था, राज किया था। बी नहीं, बी इज नॉट अ राइट आंसर, राइट आंसर इज 24, इसका होगा डी, बांधवगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश वेयर द ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर फोर्स टू टेक बर्थ एज अ चाइल्ड। अब देखिए, मध्य प्रदेश का वह धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान जहां ब्रह्मा विष्णु महेश ने त्रिमूर्ति को एक बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए मजबूर किया था, कौन सी जगह है वो? वेरी रिलीजियस प्लेस इज दिस, क्वेश्चन नंबर 25 का, इसका तो आप लोग आंसर दे ही पाओगे। राइट आंसर इज, इट इज चित्रकूट, रिलीजियस प्लेस है चित्रकूट, सबसे ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस में से एक है, तो चित्रकूट इज अ राइट आंसर। द लॉर्ड श्री राम यंगर ब्रदर शत्रुघ्न एंड हिज सन शत्रुघति, ठीक है, क्या है, शत्रुघ्न उनका पुत्र शत्रुघति रूल्ड ओवर विच एरिया, ये तो आपका हो ही चुका है आपका 26 का, इसके हिसाब से आंसर दीजिएगा। उसके हिसाब से आंसर अपन ने बांधवगढ़ किया था, बांधवगढ़ हो गया, अब इसके हिसाब से आंसर करिएगा, इन ऑप्शंस के हिसाब से आंसर करिएगा, एंड द राइट आंसर इज दशरन, दशरन जो विदिशा में है वहां पर, ठीक है, विदिशा आपका इसका आंसर बना जाएगा, इट इज विदिशा। चलिए, ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड पांडव स्पेंड्स देयर 1 ईयर एक्सिल एट विराटपुरी द कैपिटल ऑफ विराट किंगडम एट प्रेजेंट द प्लेस इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। अभी वो किस जगह पर है, अर्थात पूछ रहा है, जो विराटपुरी थी ना उस समय उन्होंने वहां पर रहे थे, विराटपुरी जो थी वो किंग विराट की किंगडम में आती थी, लेकिन अब वो कौन सा जिला है, विराटपुरी अब कौन सा जिला है?
27 का विराटपुरी क्या है अब? विराटपुरी अब हो गया है सोहागपुर, ठीक है, जिसको शहडोल में के अधीन आता है, सोहागपुर शहडोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लूनर डायनेस्टी फाउंडर, ठीक है, जो लूनर डायनेस्टी के फाउंडर थे पुरु रवा, एली एम्पायर एक्सपेंडेड टिल विच रीजन ऑफ प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, ठीक है, चंद्रवंश के संस्थापक पुरु रवा के एल साम्राज्य का विस्तार वर्तमान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र तक हुआ था, मतलब कहाँ तक उनको, मतलब कहाँ तक उनका पूरा एरिया था, कहाँ तक उन्होंने अपना विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए, 28, 28 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 28 का क्या होगा, इट इज बुंदेलखंड। उनका विस्तार कहाँ तक था? बुंदेलखंड तक उनका विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट, विथ हुम आर द केव्स ऑफ पररिया लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ छोटी महानदी इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड विद, जबलपुर जिले में छोटी महानदी के तट पर स्थित पररिया की गुफाएं किससे संबंधित है, किससे संबंधित है पररिया की गुफाएं, पररिया की गुफाएं किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 को आंसर करेंगे, 29, एंड इट इज रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा डेमोनेस हिडिम्बा, ठीक है, डेमोनेस हिडिम्बा से रिलेटेड है, ठीक है। 30 क्वेश्चन ही कराऊं मैं सोचा, थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट हो गया है, थोड़ा सा कल और अच्छे से सेट करेंगे जिससे आपको चीजें हो पाए, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन विच टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो पार्लियामेंट बनाई गई थी इंडिया, अब तो नई पार्लियामेंट बन रही, पुरानी पार्लियामेंट को देखते, जो भारत की पुरानी पार्लियामेंट थी जो बनाई गई थी, वो किस टेम्पल के आधार पर बनाई गई थी, मतलब किस टेम्पल से उसको हमने क्या किया था, उसकी आधारशिला को या उस किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 को लेके आंसर करेंगे। अब देखिए 64 योगिनी मंदिर तो तीनों जगह पर है, कौन से 64 योगिनी मंदिर पर है? एंड द राइट आंसर इज इट इज ए 64 योगिनी टेम्पल मितावली, मितावली जो है ना यहाँ का 64 योगिनी टेम्पल यहाँ का आएगा, ठीक है, 64 योगिनी टेम्पल मितावली। चलिए ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस रहने दें आज, अनअकैडमी में होगी 8 तारीख से, 8th 8 तारीख से होगी, ठीक है। सोच रहा हूँ इतने क्वेश्चन रहने दूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पेपर, तो बाकी दूसरे सेशन में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कल से थोड़ी सी चीजों को, बिल्कुल मितावली। और करना है कि नहीं करना है बता दीजिए, जैसा बोलो, क्या है मन है और करने का या रहने देते नहीं है, जैसा आप लोग बोलो। बाकी बताइए क्या करना है अब, क्या है मन, मन की बात बताइए, मन की बात मन ही जाने, आप लोगों का मन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपका मन, आप लोग बताइए, आप लोगों से पूछ के करा रहा हूं, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा होगा। चलिए चलिए कुछ और देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। लिखा है विच ऑफ द विच इज द ओल्डेस्ट अमंग द खजुराहो टेम्पल, जो खजुराहो के मंदिर है उसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट सबसे पुराना कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें सबसे ओल्डेस्ट विच इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए, 30 का, 30 हो चुका है, 31 का, चलिए 31 का आंसर करिए, सबसे पुराना कौन सा है, कितने मंदिर है जो खजुराहो के सबसे पुराना मंदिर, चलिए बिल्कुल जैसा बोलोगे, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका माना जाएगा, इट इज सबसे पुराना मंदिर है जो खजुराहो का वो होगा, ठीक है, इट इज 64 योगिनी मंदिर टेम्पल, ये सबसे पुराना है, ठीक है, बड़ा नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे पुराना पूछ रहा हूँ, तो सबसे पुराना टेम्पल है 64 योगिनी टेम्पल जो है वो खजुराहो का सबसे पुराना टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ्रॉम विच पीरियड डज द सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ एमपी कम्स, अर्थात मध्य प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास काल कब से आता है, मतलब जो मध्य प्रदेश का इतिहास काल है व्यवस्थित कब से आया, पहले बिना व्यवस्थित था अब व्यवस्थित काल सबसे कब से आया है, करा रहा हूं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए, व्यवस्थित काल जो एमपी का आता है, इट इज फ्रॉम द
सी इट इज मौर्य जो पीरियड है तब से जो एमपी की जो हिस्ट्री आती है व्यवस्थित आती है, उसके पहले अव्यवस्थित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड रिनाउंड स्तूपा ऑफ भरतहुत विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग मौर्य पीरियड इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब भैया ये तो पूछा गया है कि जो भरत स्तूपा है ना, भरहुत स्तूपा, ये जो है ये मौर्य काल के समय कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये किस जगह पर आपका आता है, किस डिस्ट्रिक्ट पर पाया जा रहा है अभी, किस जगह पर, चलिए किस जगह जगह पर है ये, आंसर दीजिए। क्वेश्चन में 33 का आंसर क्या माना जाएगा, 33 का आंसर है इट इज क्या है, बी सतना। 33 का क्या माना जाएगा, सतना, 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 नॉट विदिशा, सतना इज द राइट आंसर, सतना, सतना याद रख लीजिए, जिनको याद ना हो तो सतना याद रख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता पीरियड टेम्पल इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा गुप्ता काल का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, अर्थात गुप्ता डायनेस्टी थी ना, गुप्ता पीरियड का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर एमपी में, कौन सा गुप्ता कालीन मंदिर नहीं है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 34 को आंसर करेंगे एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, देवगढ़ का मंदिर है, देवगढ़ का मंदिर, ठीक है, मंदिर ऑफ देवगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टेक्स्ट दीप वंश हु फाउंडेड मध्य प्रदेश मोस्ट एंशियंट सिटी उज्जैनी, धार्मिक ग्रंथ दीप वंश के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन नगरी उज्जैनी की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, मतलब वैसे नहीं पूछा किसने की थी, इस रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से किसने की थी, इसके हिसाब से किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर माना जाएगा, एंड द राइट आंसर इज किंग अच्युत गमी इज द राइट आंसर, अच्युत गमी ने क्या की थी इस रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से, इसकी क्या की थी, इसको बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन ड्यूरिंग इपिक पीरियड पीरियड नॉट लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ मध्य प्रदेश, अर्थात महाकाव्य काल के दौरान वर्णित निम्न में से कौन सा शहर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं आता, ये शहर है, इनमें से कौन सा शहर अब एमपी के अधीन नहीं आता, कौन सा नहीं आता एमपी में, कौन सा शहर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या माना जाएगा, 36 का, एंड इट इज डी जनकपुरी, जनकपुरी एमपी में अब नहीं आता है, ठीक है, ये और कहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माता कुंती ऑफ महाभारत पीरियड इज ओरिजिनली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉल विच प्लेस एंड अंग्रज कर्ण बर्थ प्लेस फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य, महाभारत काल की माता कुंती मूल रूप से किस स्थान की थी और अंगराज कर्ण के जन्म स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, दोनों चीज एक ही जगह पड़ती है इसलिए क्वेश्चन आ चुका है, कहां पर है भैया। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या माना जाएगा, इट इज 37 का डी इज राइट आंसर, क्या आंसर माना जाएगा, मुरैना इज राइट आंसर, 37 का क्या मानेंगे, डी मुरैना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य एम्परर अशोक इज मेंशन इन देवना प्रियदशी इन अ ब्रीफ इंस्क्रिप्शन ऑफ गुजारा साइट इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गुजारा साइट लोकेटेड, अब ये गुजारा जो साइट है, गुजारा साइट ये किस जगह पर पाई जाती है, कहां पर है भैया ये गुजारा साइट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, इस क्वेश्चन नंबर 38 का क्या है, 38 का, 38 का आंसर माना जाएगा, इट इज सिचुएटेड इन दतिया, ये कहां से रिलेटेड है, गुजारा कहां से, दतिया से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद मौर्य एम्परर अशोका, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है, कौन सा भैया मौर्य सम्राट अशोक से इनमें से संबंधित है, हाँ मतलब सब कुछ एमपी में नहीं है, एमपी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एमपी से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या माना जाएगा, इट इज डी गुजरात, गुजारा, ठीक है, ये तीनों चीजें आ जाएंगी, रूपनाथ और सीहोर, ये जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, इसका आंसर 39 का माना जाएगा डी। 40 क्वेश्चन आपके सामने है, 40 क्वेश्चन ये रहा। द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक हैज नॉट बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश, किस जिले पर नहीं पाया जाता, नेगेटिव क्वेश्चन है, कहां पर नहीं मिलता, अभी पूछा था कहां पर मिलता है, अब है क्वेश्चन कहां पर नहीं मिलता, कहां पर नहीं मिलता, 40 क्वेश्चन ही कराएंगे, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 40 ही कराएंगे, कल से थोड़ा सा और इजी करेंगे पेपर को, जिससे आप लोगों को बेहतर थोड़ा सा लगे, मेरे को भी लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट हुआ है, और फिर भी लेकिन कोशिश करेंगे कल थोड़ा सा इजी हो पाए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है,
विदिशा एंड भोपाल। तो आज इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे सेशन में, 40 क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो और हैं लेकिन नहीं इसलिए करा रहा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगे आपके लिए। तो एक आध और देखना चाहिए, विच ऑफ दी फॉल विच नेम अशोक नेम दी नेम हैज बीन कंफर्म फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द मध्य प्रदेश, कहाँ से उसका नाम आपको मिलता है। 41 का आंसर जल्दी जल्दी बता देता हूँ, डी इसका होगा गुजरात, सॉरी गुजार गुजरात, गुजरात नहीं गुजरात, जो दतिया में है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कितने क्वेश्चन आज कर लेते हैं और डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। कल अपन क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो रहेंगे उनको अपन लेके आएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अपन कम करेंगे क्योंकि बच्चे भी कम आ रहे हैं, रीजन नहीं पता क्या रीजन है। पहले ज्यादा बच्चे आ रहे थे, तब जीके में कम बच्चे आ रहे हैं। या तो जीके नहीं करना चाहते तो फिर मैं और कुछ कराऊंगा, तो देखता हूँ, अगर जीके नहीं करनी है तो फिर अपन कुछ और देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अपन क्या करेंगे कल मिलेंगे, कर लेते हैं। बन रहे हैं क्या, सबसे बन रहे हैं, करने हैं क्या अभी? कुछ लोग कह रहे हैं बन रहे हैं क्वेश्चन, करोगे क्या? आप लोग जैसा बोलो। देखो फिर अब बच्चे नहीं आते तो फिर मजा भी नहीं आता, जब बच्चे नहीं आते फिर टीचर को भी मजा नहीं आता, क्योंकि आप लोग अगर आओगे नहीं क्लास में तो फिर टीचर का मन कैसे लगेगा। तो आप लोग जैसा बोल दो, अगर नहीं करना है तो फिर मैं जाता हूं, अगर करना हो तो बता दीजिए। पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, सामने सामने क्वेश्चन करते जाओ जो ज्यादा बेहतर है। आधे लोग जा चुके हैं क्या? कुछ लोग, चलिए फिर रहने देते हैं, लगता है काफी लोग जा भी चुके हैं, चलिए फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर रहने देते हैं, चलिए 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 फिर मिलते हैं कल, हैव अ गुड डे।